इस चुनाव में उन सब की पहचान जरूरी है। देश को विकसित करने को कमल निशान जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए तो कहा गया होली कोई नहीं मनाएगा। यहाँ पता चला कि प्रत्याशी लोग भी छौक छौक के होली खेल रहे हैं। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो धोखा दिया दिल्ली, उसका रिएक्शन भी हुआ। इसलिए अरविंद केजरीवाल का कर्म उनको इस जगह तक ले आया। उसको अगर कांग्रेस प्रत्याशी बनाती कन्हैया कुमार का क्या होगा इस क्षेत्र में, ये तो क्षेत्र की जनता तय करेगी ही। आज हमारे साथ वो शख्स हैं जो सिंगर, एक्टर, क्रिकेटर और पॉलिटिशियन हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक और दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट से सांसद मनोज तिवारी की। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शेष भारत में। थैंक यू अरुण जी। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ये पहले फेज का चुनाव हुआ, उसको देखते हुए 102 सीटों की अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है कि बीजेपी किस स्थिति में जा रही है? एग्जैक्टली 102 सीटों का पूरा हमारा आकलन नहीं है, लेकिन अभी हम जहाँ जहाँ चुनाव में प्रचार करके आए हैं, हम असम गए हैं, हम महाराष्ट्र गए हैं, हम उत्तराखंड गए हैं, और मुझे लगता है कि हम ये ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप कर रहे हैं। असम में भी, महाराष्ट्र में भी, और इस फेज़ में जहाँ जहाँ है बहुत अच्छा वातावरण है। और वहाँ पे अगर ये 102 सीटें जैसा आप बता रहे हैं, मैंने काउंट किया नहीं, तो मुझे लगता है कि इन 102 सीटों में 90 प्लस भारतीय जनता पार्टी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है 400 पार, इस बार 400 पार, क्या वजह है इसके पीछे की बात अभी तक नहीं हुई? आपको क्यों लगता है कि आप 400 पार होंगे? देखिए, एक तो भारत का मतदाता जाग गया है, उसको ये पहचान हो गई है कि कौन हमारा हितैषी है, कौन राजनीतिक पार्टी हमारी हितैषी है और कौन राजनीतिक पार्टी हमारी शत्रु है, लेकिन वो गोल गोल मीठी मीठी बातें करके आती है चुनाव में। उसमें नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास जगा है जनता में, नरेंद्र मोदी जी के प्रति और नरेंद्र मोदी जी के मन में जनता के प्रति, वो अद्भुत है अरुण भाई। जिन लोगों ने इस देश में अपने घर में कभी इज्जत घर नहीं देखा, उन 13 करोड़ परिवारों को कैसी फीलिंग आती होगी जब आप उसकी बहन बेटी को सूर्योदय और सूर्यास्त की इंतजारी नहीं रहती होगी शौच के लिए। उन 48 करोड़ लोगों पे क्या इमेज होगी नरेंद्र मोदी जी के प्रति, जिनको बैंक अपने दरवाजे खड़ा नहीं होने देता था, ना वो जा पाने की हिम्मत जुटाते थे। आज वो जनधन अकाउंट में उनके बैंक के अकाउंट होल्डर हैं और उनका 2 लाख का बीमा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको, चाहे वो 5 लाख का फ्री इलाज हो, यहाँ घर घर जल से नल हो, बेघर को घर हो, ये चीज़ें इस देश में तो गरीब सोचता ही नहीं था कि ये भी सरकार उनको दे सकती है। तो इस आधार पे हम मान रहे हैं कि जब हम पहले 2019 में हमने 353 सीटें एनडीए की लाई हैं, तो 353 में हम केवल 50 तो ऐड करने की बात कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। और जैसा कि जैसे पश्चिम बंगाल में हमको 18 सीट आई थी, अब हमको पश्चिम बंगाल में मिनिमम 25 तो आएगी, वो 26-27 भी हो सकती है। हमको तमिलनाडु से हमारे हम बिल्कुल नदारद थे, अब वहाँ से भी 7-8 सीट आने की उम्मीद है। हमको केरल से भी 1-2 सीट आने की उम्मीद है। हमको तेलंगाना से बड़ी संख्या में सीट आ सकती है। और इस तरह से उड़ीसा से हमारा बहुत बड़ा आशा है, क्योंकि उड़ीसा के
अंदर लोगों का भाव आया है कि राज्य के लिए भले ही बीजू जनता दल हो, लेकिन देश के लिए तो हमें नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना है। तो अगर ये सब जोड़ दीजिएगा तो ये 400 पार हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी वही कह रहे हैं कि 150 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी इस बार। राहुल गांधी अपने लिए बोल रहे हैं, वो राहुल गांधी जी आज तक जो भी किए हैं वो अपने ही तरफ तोप चलाते हैं। राहुल गांधी जी अपनी मैनिफेस्टो में ये लिखते हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, कि हम आएंगे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करेंगे। क्यों भैया, भारत का संविधान नहीं चलेगा क्या? यूनियन सिविल कोड की बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी करके गए हैं। प्रत्येक नागरिक के लिए एक कानून होना चाहिए। आप कहते नहीं नहीं अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून बनाएंगे, तो ये भारत का कौन स्वीकार करेगा? राहुल गांधी जी कहेंगे कि हम मुस्लिम स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देंगे, तो मुस्लिम को भी दो, हिंदू को भी दो, सिख को भी दो, ईसाई को भी दो, बौद्ध जैन पारसी, उन्होंने क्या गलती की है? तो अब जब ऐसी ऐसी बातें करेंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा बोलने वालों के साथ आप चलेंगे, सेना को गाली देने वालों को आप सम्मान देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी पहले इसी यही करते करते तो आ गए थे 40 और 42 पे, अब पता नहीं देश उनको 40 से भी नीचे कितना ले जाएगा। आपकी एक बहुत लंबी जर्नी रही है और आप एक तरीके से एक्टर भी रहे, सिंगर भी रहे, वो एक अलग जर्नी थी, और एक राजनीतिक जर्नी एक अलग जर्नी है। अगर इन दोनों की बात की जाए तो इनमें सबसे टफ जर्नी किसकी मानेंगे आप? किसमें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा आपको? नहीं, दोनों का अपना अपना संघर्ष है, लेकिन जो अभिनय की दुनिया है वो सोलो सफलता सोलो असफलता है। हमारी असफलता हमारी, हमारी सफलता हमारी। लेकिन हम जिस राजनीति में हैं, यहाँ पे हमारी सफलता में बहुत लोगों की सफलता है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में इस देश का, पूरे देशवासियों की सफलता है। गरीबों के घर तक सुविधाएं पहुंचती हैं, देश सुरक्षित होता है। अगर किसी ने कोशिश किया हमारे देश में जरा भी छेड़ा, तो हम दूसरे के घर में घुस करके भी सजा देने के लिए बिल्कुल सक्षम हो गए हैं। हम जब कोई महामारी आ गई तो पूरी दुनिया में सबसे पहले हम दवा बनाकर, वैक्सीन बनाकर अपनी रक्षा करते हैं, दूसरों की भी रक्षा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी जी की सफलता में, हमारी सफलता में, हमारे पूरे क्षेत्र की सफलता है। और भारतीय जनता पार्टी इस परिचय के साथ खड़ी है अरुण भाई, इसलिए हमारा जो ये दौर है, अगर एक प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत टफ है। फिल्मों की सफलता भी, वो तो भगवान की कृपा है, चमत्कार है, आपको लोगों ने पसंद किया, मगर यहाँ तो मेहनत करनी है फिर आपको फल मिलता है। तो यहाँ पे अभी एक नाम आया है कन्हैया कुमार का, जानते हैं आप उनको? हाँ हाँ, बहुत बड़े चर्चित चेहरे हैं वो तो। सुनने में आ रहा है कि वो आपके खिलाफ हैं और लड़ाई लड़ने आए, कमर पे हाथ रख करके ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ आप मुस्कुराते रहते हैं हमेशा, तो वजह क्या है? क्लीन स्वीप करने वाले हैं क्या आप? नहीं, देखिए, हम किसी भी लड़ाई को आसान नहीं समझते हैं और हम पूरी गंभीरता से लड़ते हैं। हमें इस बार अपनी जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति का कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाना, कांग्रेस के प्रति जो सोच थी और आम आदमी पार्टी के प्रति जो सोच थी दिल्ली के लोगों की, वो सोच बिल्कुल 360 डिग्री निगेटिव हो गई है। क्योंकि कन्हैया कुमार ने भारत तेरे टुकड़े होंगे इसी दिल्ली में नारा लगाया, हर घर में सब कोई सन्न था। ये बात अलग है कि आप उसको आज कहिए कि हमको फाइब्रेट किया गया, ये किया गया, लेकिन वो आपका नारा है। आपने कहा अफजल हम शर्मिंदा हैं,
तेरे कातिल जिंदा है। आपने कहा कि भारत की सेना बलात्कारी है, खून खौल गया भारत के लोगों का, क्योंकि भारत के लोगों के लिए भारत की सेना को हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए रात दिन अपनी बलिदान करने को तैयार रहते हैं। उनको गाली देने वाला, देश को गाली देने वाला, देश को तोड़ने की बात करने वाला, उसको अगर कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है, कन्हैया कुमार का क्या होगा इस क्षेत्र में, ये तो क्षेत्र की जनता तय करेगी ही। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को चुना, मैं समझता हूँ बेगूसराय से जब वो लड़ रहे थे ना, तो हो सकता उतनी देश में चर्चा न हुई हो, लेकिन यहाँ से लड़ रहे हैं, ये दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी से खबर निकलेगी और देश के गांव-गांव तक पहुँचेगी कि कांग्रेस की सोच, आम आदमी पार्टी की सोच टुकड़े टुकड़े देश का करने वालों के साथ है, तो फैसला होगा। आप भी बिहार से हैं और वो भी बिहार से हैं, और दोनों लोग दिल्ली में आकर भाई साहब बिहार का कह के उनको बिहार को गाली समझता हूँ मैं। वैसे लोगों को बिहार का लोग अब उनसे कोई नाता नहीं रखता है। बेगूसराय बिहार ही है ना, वहीं से लड़े थे ना, 4 लाख वोट से हारे, 4 लाख से। तो कृपया उनको बिहारी न कहें, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता हैं, और ठीक है इस देश में उनको भी टिकट देने वाली पार्टियां हैं, मगर ये देश उनको बताएगा कि ऐसी सोच का हश्र क्या होता है। तो मतलब आप उनको अपना कंपटीटर नहीं मान रहे हैं? भाई वो चुनाव में है, वही है सामने, तो वही है कंपटीशन में, तो वही है, लेकिन वो क्या है ये हमसे ज़्यादा बेहतर। हम तो बहुत सम्मान से बात कर रहे हैं और हम ऐसे ही बात करेंगे। हमारा सवाल तो कांग्रेस से है, हमारा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि आप लोगों को अपनी पार्टी में एक आदमी नहीं मिला जो देश का सम्मान करता हो, एक आदमी नहीं मिला जो भारत की सेना का सम्मान करता हो। तो ये कांग्रेस की मानसिकता भी, आम आदमी पार्टी की मानसिकता भी दिख गई है। अब अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी नहीं कह सकते कि हम भारत को जोड़ने की नीयत रखते हैं। दो बार आप यहाँ सांसद रह चुके हैं, दोनों बार में और इस बार में एक अंतर देखने में आया कि पिछले दोनों बार आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी पहले में नहीं थी लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी भी लड़ी, कांग्रेस भी लड़ी, बीजेपी, इस बार वो दोनों एक होकर के लड़ रहे हैं, इस बार अलग अलग नहीं लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब इस बार की लड़ाई थोड़ा सा टफ हो रही है। तो आपको क्या लगता है नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य भी हैं, बिहार के भी लोग हैं काफ़ी, और इस बार कन्हैया कुमार भी जब सामने आ गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि वोट बैंक उनके तरफ भी खिसक सकता है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक होना हमारा वोट बढ़ाएगा, क्योंकि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक साथ जा सकते हैं, मगर कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता एक साथ नहीं जाएगा। अरविंद केजरीवाल किसको गाली देते थे? कांग्रेस को ही ना। तो ये राहुल गांधी की मजबूरी हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी राजनीतिक हाशिए पे हैं, पतन पे हैं, मगर कांग्रेस को जो सपोर्ट करता था उसका एक थॉट था, थॉट है, बेशक वो हमें वोट नहीं देता होगा, लेकिन कांग्रेस का आम कार्यकर्ता वो मानता है कि हम वो पार्टी के लोग हैं जो जब से देश आज़ाद हुआ तब से काम कर रहे हैं, हमारे बाप दादा काम कर रहे हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने उनको क्या दिया? आज अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को क्या दिया? और हमसे क्यों पूछते हैं सर? अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए तो कहा गया होली कोई नहीं मनाएगा, यहाँ पता चला कि प्रत्याशी लोग भी छौक छौक के होली खेल रहे हैं। अभी एक दिन में देखा भगवंत मान और संजय सिंह जी ये दोनों मिल रहे थे, तो एक दूसरे को ऐसे उछाल उछाल के वीडियो में देखा, ऐसे मिल रहे हैं, कौन बात का खुशी मना रहे हैं दोनों? हमको आपको नहीं समझ में आएगा, हो सकता है आप मर्यादा में नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जनता तो समझ रही है कि उनकी खुशी किस बात की है। नोबडी इज वरी फॉर अरविंद केजरीवाल इन आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल से आपका मुझे लगता है 36 का आंकड़ा रहा है, क्योंकि कई बार उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट भी दिए आपको लेकर के जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे।
नहीं, वो बोलते हैं मनोज तिवारी के बाप की नहीं है दिल्ली। बाप तक जाने की जरूरत क्या है भाई? आप अपने कर्म देखिए ना, पिलाना था पानी, पिलाने लगे शराब। कौन स्वीकार करेगा आपको अरविंद केजरीवाल जी? गुरु का दुरुपयोग किया का, गुरु तो खैर उनके वो थे नहीं, वो तो अपनी खिचड़ी पकाने के लिए गुरु जी को मुर्गा बना दिए, गुरु जी को यूज कर लिए। आज अन्ना हजारे साहब किस परिस्थिति में पड़े हुए, न जाने कितने लोग नौकरियां छोड़ छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए, आज सब चले गए। आज उनकी अपनी पार्टी का सत्ता संघर्ष लोग देख रहे हैं। वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, पार्टी का बड़ा बड़ा लोग स्वीकार नहीं कर रहा है। वो कहते हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज अंदर जाने चाहिए, तो आतिशी बोलती हैं कि वो राघव चड्ढा है और दुर्गेश पाठक भी जाने चाहिए। अब हमसे क्यों कहलवा रहे हैं सब? इसलिए अरविंद केजरीवाल का कर्म उनको इस जगह तक ले आया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने को कहा हम दिल्ली के बेटा हैं और बुजुर्गों का पेंशन ख़त्म कर दिया। अरविंद ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के आम आदमी के नेता हैं, यहाँ 10 साल में एक गरीब का राशन कार्ड नहीं बना है। पानी का नल खोलिए तो गटर का पानी आता है, क्या इसकी कल्पना कर सकते हैं? दिल्ली दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी है। एक बार नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते 1-5 साल के लिए जिस दिन दिल्ली आ जाएगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में वो भी मिलेगा, 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और इस दिल्ली को उसका हक दिया जाएगा। तो अगर इस तरीके की बात है कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया और केजरीवाल से आपको कोई खतरा भी नज़र नहीं आता, तो 7 सीटों पे 6 सांसद बदल दिए गए केवल आपको छोड़ के, इसके पीछे की क्या वजह? वो तो कोई भी कार्यकर्ता लड़ सकता है, जो बदले वो कहीं काम कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा जी किसी राज्य के सहप्रभारी बने हैं, रमेश भिदोड़ी जी उत्तर प्रदेश के सहप्रभारी बने हैं, और ये सब बाकी लोग सबको कुछ न कुछ काम दिया गया है। नहीं, लेकिन आपके ऊपर तो भरोसा जताया गया ना। हंसराज तो जी पंजाब से चुनाव लड़ रहे हैं और मैं यहीं से लड़ रहा हूँ, तो पार्टी का आदेश हमको कहा फिर लड़ो, हम लड़ रहे हैं। वो कहते कुछ और काम करो तो वो भी करते। क्या है कि अब ना कोई VIP कल्चर पार्टी में भी नहीं है। इसको कटना टिकट नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं जिम्मेदारी अलग बंटना। हम ऐसा हमारे पार्टी में अभी कल्चर है। लोकसभा इलेक्शन हमेशा प्रत्याशियों का असेसमेंट होता है, जो लोग पहले सांसद थे उनका असेसमेंट होता है कि क्या काम किया है आपने जाकर के। और अगर BJP की बात की जाए तो ये देखा जाता है कि हर बार हर चर्चा में मोदी जी का नाम आता है कि मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। तो आप लोगों ने जाकर के अपने इलाके में क्या काम किया? अगर वो काम गिनाने की बात आए तो किया और हमने करवाया। करने और करवाने में अंतर है ना। जैसे मान लीजिए हम अपने क्षेत्र में 14,600 करोड़ का काम कराए, तो पैसा तो मोदी जी से ही लेके आए, चाहे वो एलिवेटेड रोड दिल्ली सहारनपुर देहरादून हरिद्वार ये रोड बनानी हो, 5,000 करोड़ के लगभग लगा, तो मोदी जी ने, हमने मांगा उन्होंने दिया। तो करता तो हमेशा बड़ा होता है, उनका विज़न जो है। हमने कहा हमारे क्षेत्र को मेट्रो ही नहीं थी हमारे क्षेत्र में। अरुण भाई आप एक चीज़ जान लें और आपको जो दर्शक है वो भी जाने कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पहली बार मेट्रो आई जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। पहली बार नदी पे ब्रिज बन के तैयार हुआ जो साहेब सिंह वर्मा जी ने शुरू किया था 1997 में। ये लोग रोक के बैठे थे, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमने इनिशिएट किया, तब सिग्नेचर ब्रिज बना। हमारे क्षेत्र में रेल लाइन चलती थी लेकिन रेलवे स्टेशन नहीं था, पहली बार बना। हमारे क्षेत्र में एक सेंट्रल स्कूल नहीं था, पहली बार बना। हमारे क्षेत्र में देश का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड पहली बार बना है। हमारे क्षेत्र में ट्रिपल डेकर मेट्रो बना, सड़क के ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो, लोग खड़ा हो के फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं। हमारे क्षेत्र में पहली बार पासपोर्ट ऑफिस बना।
हमारे क्षेत्र में पहली बार रिवर फ्रंट बन रहा है, ये सब मोदी जी के आने के बाद ही क्यों हुआ? हम कोशिश कर रहे हैं और मोदी जी से सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि मोदी जी हमारे लिए कैसा फेस हैं जो इस देश के तमाम लोगों की इच्छा थी कि 370 हटना चाहिए, हटा दिए। दुनिया भर के अरबों लोगों की इच्छा थी कि राम मंदिर बनना चाहिए, बना दिए। लोगों मुस्लिम बहनों की इच्छा थी कि 3 तलाक का कानून हटना चाहिए, हटा दिए। तो ये सारी चीज़ों में, अब दिल्ली में जो द्वारका एक्सप्रेस से गुजरता होगा, जो NH 24 से गुजरता होगा, जो धौला कुआं रोड से जाता होगा, वो कभी जो प्रगति मैदान के टनल से जाता होगा, वो क्या धन्यवाद देता होगा मोदी जी को? अब उसके बाद भी कोई कहे कि मोदी जी का नाम मत लो तो हम इतने एहसान फरामोश तो नहीं। मोदी जी बहुत पॉपुलर नेता हैं, बहुत पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं, उनकी लोकप्रियता देश विदेश हर जगह है। उसके पीछे की क्या वजह है? आप लगातार उनके संपर्क में भी रहे हैं, आपकी कई बार मुलाकात होती रही है, तो वो हम जानना चाहेंगे कि उनको क्या वजह है जो इतना लोकप्रिय है? आपको क्या लगता है उसके पीछे की क्या वजह है? मुझे जो लगता है ना कि नरेंद्र मोदी जी का जो एक्सेप्टिंग भाव है, उनका रिजेक्टिंग भाव नहीं है। वो हमेशा ना एक्सेप्टिंग नोट पे रहते हैं। आप बताओ उसका रास्ता निकालेंगे, आप बताओ उसको कम से कम बनाने वाले लोगों को मोटिवेट कर करके एग्जीक्यूट कर देंगे। आप उनके, आप कितना भी विरोध करिए मोदी जी का, आप एक अच्छा इनिशिएटिव दे दीजिए, अगर आपको बुला के न मिल लिए तो फिर हमसे आप कुछ भी बात करिए। ये नरेंद्र मोदी जी को हमने दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनियों को, वो बोलते थे ये अनऑथराइज जो शब्द है ना मनोज, इसको हटाना है, ऐसे काटो, ये कलंक है दिल्ली के ऊपर, अनऑथराइज, इसको काटो और लिखो ऑथराइज्ड कॉलोनीज। आज दिल्ली की 1731 कॉलोनियाँ जिनके ऊपर अनऑथराइज का कलंक लगा हुआ था माथा पे, उनको हटा दिया मोदी जी ने। तो वो एक्सेप्टिंग नोट जो है ना, वो मुझे लगता है कि उनके व्यक्तित्व को विराट बनाता है। वो सबका साथ सबका विकास सिर्फ कहते नहीं अरुण भाई, वो इसको जीते हैं। दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने उनको अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, क्या कारण है? अबू धाबी जैसे देश में जहां एक भगवा ध्वज नहीं फहरा सकते थे, वहां विशाल हिंदू मंदिर बन के 9-9 गुंबदों वाला मंदिर फहरा रहा है और अबू धाबी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। क्या दुनिया में उनका जो एक्सेप्टिंग नोट है ना, वो इतना विराट है कि इस देश का प्रत्येक व्यक्ति नरेंद्र मोदी में विश्वास करता है। मनोज तिवारी से लोग नाराज हो सकते हैं लेकिन मोदी जी से नहीं। दिल्ली में क्या लग रहा है इस बार 7 सीटों में कितनी सीटें आएंगी? बहुत विशाल ढंग से 7 सीटें आएंगी। 2019 में हम लोग 54% वोट शेयर के साथ जीते थे, इस बार हम लोग, मेरा अनुमान है कि हम 60% वोट शेयर सिर्फ बीजेपी लेगी और हमारी 7 जगह मुझे लगता है कि मिनिमम 5 लाख प्लस से जीत होगी। जो 60% आप वोट की बात कर रहे हैं तो क्या केवल ये इसलिए मिलेगी वो केजरीवाल जेल चले गए? नहीं नहीं, ये आपके काम पे, नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पे और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो धोखा दिया दिल्ली को, उसका रिएक्शन भी हो रहा है। क्योंकि धोखा दिया ना, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गरिया रही थी, आज आपस में मिल गई, तो ये तो धोखे में कौन आया? दिल्ली की जनता। अब आज देखिए, हम लोग जब जा रहे हैं गलियों में ना, तो लोग हमको पकड़ लेते हैं, मनोज हमारे घर में गंदा पानी आ रहा है। मैंने कहा बाबूजी क्या करूं, वही चाबी हमारे पास नहीं है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा है। मैंने कहा बस वही चाबी, बुजुर्गों का पेंशन हो, राशन हमें देना है, मगर राशन कार्ड दिल्ली सरकार को बनाना है।
गलियों का नाला का जल जमा उनका है, फ्लड का नाला हो, पीडब्ल्यूडी का नाला, अब तो एमसीडी भी उनके पास है, इसलिए अब उनको बहाना बनाने का कोई मौका नहीं है। लेकिन लोग चुनाव लड़ने जाते हैं तो हमसे भी पूछते हैं, हम लोग को बहुत जूझना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोग समझते हैं कि जिसको दिल्ली की, जिसने दिल्ली को लंदन बनाने के लिए बात करी थी, वो शराब बेचने लगा, शराब से पैसा लूटने लगा, जल बोर्ड का कर्जा बढ़ा दिया, जल बोर्ड घोटाला हो गया, डीटीसी घोटाला हो गया, जासूसी कांड घोटाला हो गया, तमाम क्लासरूम घोटाला हो गया। दिल्ली ने कहाँ सोचा था सर ऐसा? तो इसलिए हमारा जो वोट बढ़ेगा मोदी जी के प्रति विश्वास, और सातों सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए, मगर आने वाला 5 साल और भी बड़ा होने वाला है। तो यानी कि 400 पार ये नारा सच होने वाला है? मेरा पूरा विश्वास है। ये देश को गौरव आ गया है अरुण भैया, देश को ना, देश के किसी कोने में जा रहा हूं तो मैं पेड़ पर भी राम मंदिर का, जय श्री राम का झंडा देखता हूं। वो एक मंदिर, वो कोई 15-20 एकड़ में बना हुआ एक भवन नहीं है, वो सबके मन के अंदर जो था मंदिर, उसको एक आकार मिल गया है, और इसलिए 400 पार का सपना साकार होगा। कोई दो लाइन आप सुनाना चाहें इसको लेकर के? नहीं, हम तो देखिए, एक बहुत अच्छी लाइन हमारे दिमाग में परसों आई जब मैं गढ़वाल में था, कि जिनको देश से है नफरत, फौजी ड्रेस से है नफरत, जिनको राम से है नफरत, भगवान से है नफरत, इस चुनाव में उन सब की पहचान जरूरी है, देश को विकसित करने को कमल निशान जरूरी है, देश को नरेंद्र मोदी प्रधान जरूरी है। ये मेरा थॉट है। थैंक यू सो मच। तो ये थे मनोज तिवारी जी, जो बेबाकी से सारे जवाब दिया जिन्होंने, और देखते हैं, इंतज़ार करते हैं 4 जून का रिजल्ट क्या कहता है, इस बार क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगे। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।